हमारे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के क्लास में डिस्कस किया जाएगा क्लास 12th के चैप्टर इमेज के बारे में, जहां से क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस 4 नंबर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही केवल डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसी को इस क्लास में बताया जाएगा, इस लेक्चर में बताया जाएगा। 3 क्वेश्चन है, पहला आपको बोर्ड पे लिखा गया है, दूसरा होगा आपका कार्बिलेन रिएक्शन और तीसरा होगा अपमान ब्रोमाइड रिएक्शन, ये आज डिस्कस कर लिया जाएगा। ये 3 क्वेश्चन जो बताया जाएगा वही बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं और 4 नंबर यहाँ से 4 नंबर के आते हैं, तो 3 क्वेश्चन बताया जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपके 4 नंबर फिक्स है, वही आएंगे। चलिए देखते हैं, एमीन को बोलते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन आए उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जो 2020 और 2022 में पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज एमीन, एक्सप्लेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। एमीन क्या होता है, प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं और टर्शियरी को 3 डिग्री, इसको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एमीन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं एमीन को। तो एमीन क्या होता है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया आप बचपन से जानते हैं, अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। जो एमीन होता है इसी का डेरिवेटिव होता है, इसका डेरिवेटिव मतलब जो एमीन बनता है वह अमोनिया के हेल्प से ही बनता है। अब कैसे बनता है वो बताएंगे। देखिए, एमीन जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है, उससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है, देखिए, और 1 लोन पेयर विथ 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड, 1 लोन पेयर होगा और इससे 3 बॉन्ड जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन का, ये होता है एमीन। तो एग्जाम में लिखेंगे एमीन क्या होता है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एक कैसे बनता है इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ लोन पेयर है ना, ये अमोनिया है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, आपका 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको अमोनिया कहते हैं। और क्या किया गया यहाँ पे, देखिएगा हाइड्रोजन है यहाँ पे, इस हाइड्रोजन को किसी तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए किससे, कार्बन से। तीनों में से, तीनों हाइड्रोजन में से किसी एक को रिप्लेस करिए कार्बन से। कार्बन से रिप्लेस करेंगे, बताइए कार्बन यहाँ जुड़ गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ऐसा कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। इसको बैलेंस कर लीजिए, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 बनाया है और 3 और बनाएगा, और किसे जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन से। ठीक, यहाँ क्या देख रहे हैं, लोन पेयर तो रहेगा ही, इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा, 1 कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा है, 1 कार्बन, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन से जितना कार्बन जुड़ा रहेगा डायरेक्ट वो देखना है आपको, उसकी डिग्री बता देना है, तो इस नाइट्रोजन से 1 कार्बन जुड़ा है तो क्या होगा, 1 डिग्री एमीन, जिसको कहते हैं CH3 मतलब मेथिल और एमीन। ये पूरा पार्ट क्या है, एमीन, मेथिल, एमीन, देख रहे हैं ना, अमोनिया के हेल्प से क्या बन जा रहा है, एमीन बन जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एक अब कुछ नहीं किया गया ये है ना, इसको देखिए, ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस, किसी भी, और 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को किसी भी इन तीनों में से किसी 2 हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस करना है, रिप्लेस करिए कार्बन कार्बन, देख कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाया है, 3 हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बनाया है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, इसको क्या देखेंगे, देखिए इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, 1 इधर से और 1 इधर से, इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, जिसको कहते हैं डाई मेथिल एमीन। देखिए, 1 मेथिल CH3 को क्या नाम देते हैं, CH3 का नाम होता है आपका मेथिल, CH3 का नाम होता है मेथिल। ठीक, तो यहाँ पे बोल देंगे 1 मेथिल 2 मेथिल, दो मतलब डाई, डाई मेथिल और एमीन, डाई मेथिल एमीन। और क्या करना है, अब तीनों ही हाइड्रोजन को, अमोनिया के तीनों ही हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर देना है। देखिए यहाँ रिप्लेस करके दिखाते हैं, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इसको कार्बन से रिप्लेस कर दीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, H को हम इधर लिख दिया, कोई समस्या नहीं है, आगे लिख सकते हैं। देखिए, तो हो जाएगा 3 डिग्री एमीन, इसको बोलते हैं ट्राई मेथिल एमीन। ट्राई मेथिल एमीन क्यों बोलते हैं, 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, तो 3 मेथिल के लिए नाम क्या लिखते हैं, ट्राई और CH3 या तो मेथिल और एमीन, ट्राई मेथिल एमीन, इसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं। 3 डिग्री एमीन क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर, इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़ा है, उसको बोल देंगे 3 डिग्री एमीन। और ये देखिए, आप सब में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, सब में लोन पेयर है,
तो किसी भी एलिमेंट यदि लोन पेयर होता है तो वह बेस कैसे बिहेव करता है, किससे बिहेव करता है, बेस, बेस कैसे बिहेव करना होता है, उस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए वह बेस सिग्नेचर का होता है। चलिए ठीक है, तो सारे बेस सिग्नेचर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं, बोर्ड में पूछ देता है क्वेश्चन कभी, ध्यान सुनिएगा। एक लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, इस लोन पेयर होने की वजह से यह बेस सिग्नेचर का होता है। ठीक, तो देखिए अगर पूछा जाए यहाँ भी लोन पर है, यहाँ भी लोन पर है, यहाँ भी लोन, सब में लोन पर है, पूछा जाए सबसे अच्छा बेस कौन है, मान लीजिए चारों में से चारों के लोन पर है, पूछा जाए सबसे अच्छा बेस कौन होता है इसमें, तो सबसे अच्छा बेस आपका होता है ट्राई मेथिल एमीन जो होता है वह सबसे अच्छा बेस माना जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पे CH3 ग्रुप है, एक CH3, दो CH3, तीन CH3, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, EWG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का मारता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। बताइए इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है, तीन CH3 मिलकर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको पुश कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, तो ये वाला जो लोन पेयर है आसानी से रिमूव हो जाएगा। तीन CH3 ग्रुप लगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इसे धक्का मार रहा है, अगर धक्का मार रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से रिमूव हो जाएगा, और आसानी से रिमूव हो जाएगा तो 3° एमीन यानी ट्राइमेथिल जो एमीन जो होगा वह सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। लिखा गया दिस इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट, ठीक है, जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये लोन पे आसानी से चला जाएगा, इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का क्या होता है ट्राइमेथिल एमीन। यहाँ पे देखिए एक CH3 दो CH3, यहाँ पे दो ही CH3 ग्रुप लगा है, मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, तो इतना आसानी से उतना निकलेगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा कम बेसिक नेचर का होता है, और ये इससे भी कम होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही CH3 ग्रुप लगा है, देख रहे हैं यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये लोन पेयर भी आसानी से नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे तीन तीन मिलकर निकाल रहे हैं इसको, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तीसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तीन तीन मिलकर इस लोन पेयर को बाहर कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का, इससे कम बेसिक नेचर ये और इससे कम बेसिक नेचर ये, इसलिए लिखा गया है बेसिक नेचर इंक्रीजेस ड्यू टू CH3। इधर से इधर आप रिमूव करेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, मतलब 3D सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे कम क्या होगा 1D। बेसिक नेचर इंक्रीजेस ड्यू टू CH3, इस CH3 की वजह से बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, देखिए ED यहाँ पे छूट गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDC इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो 3° एमीन इज मोर बेसिक, देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से 3° एमीन ज्यादा बेसिक नेचर का होता है, और बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक क्या होता है 3°, उससे कम क्या होता है 2°, और उससे कम क्या होता है 1°, ये आपका आर्डर है बेसिक का, पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी 1° एमीन, 2° एमीन और 3° एमीन में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का कौन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपका दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कारगिल एमीन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2020-2022 के एग्जाम में पूछा गया है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछ देता है, आपको समझाएंगे कैसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। देखिएगा दिस रिएक्शन ओनली गिवन बाय प्राइमरी एमीन, केवल 1° एमीन, ऐसा नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा है वो प्राइमरी एमीन होता है, तो इस रिएक्शन को वही देते हैं जो 1° एमीन होते हैं, दिस रिएक्शन नॉट गिव 2° एंड 3° एमीन, इस रिएक्शन को 2° एमीन और 3° एमीन नहीं देते हैं, दिमाग में सेट रख लीजिएगा, कार्बिल एमीन रिएक्शन केवल 1° एमीन ही देते हैं, 2° और 3° एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन को शो नहीं करते हैं। चलिए रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन क्या होता है, देखिए 1° एमीन यूज करना है, देखिए इस नाइट्रोजन से ऐसे हमने जोड़ा है H2, तो नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन कितना बार बनाता है, नाइट्रोजन 3 बार बनाता है, दो हाइड्रोजन जुड़ा है, R मतलब कार्बन, R मतलब कार्बन यही होता है जी, CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप हो सकता है, एथिल ग्रुप हो सकता है, प्रोपिल ग्रुप हो सकता है, ETC मतलब R मतलब कार्बन ही तो है हुआ है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा मतलब 1° एमीन है, R मतलब CH3 C2H5 मतलब यहाँ पे कार्बन ही तो होगा, इस नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है मतलब क्या है 1° एमीन, ध्यान देंगे केवल 1° एमीन ही देता है कार्बन रिएक्शन और कोई नहीं देता है, ठीक, कार्बन रिएक्शन यहाँ पर होगा CHCl3+KOH, इसी के साथ रिएक्शन होगा, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, आप जानते होंगे क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, के मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, देखिए तो बन जाता है R, देखिए ऐसे याद रखिए R
आर हो गया ना, एन और सी इसको जोड़ दीजिए, आर एन सी, देखिए आर एन सी, आर एन सी, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये होता है फॉल स्मेल का, एफ ये फॉल स्मेल, फॉल स्मेल होता है, मतलब बहुत इसका गंदा स्मेल होता है। जब आइसोसाइनाइड बनेगा तो बहुत इसका फॉल स्मेल आएगा, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा, तो इससे पता चल जाएगा कि आइसोसाइनाइड बन गया है। याद रखिए ये जो साइड प्रोडक्ट है इसको हम नहीं दिखा रहे हैं, आपको एग्जाम में इस तरीके से बता रहे हैं कि एग्जाम में लिख सके क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको पूछा तो आप लिख दे, देखिए आर एन सी आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है आइसोसाइनाइड विथ फॉल स्मेल, मतलब बहुत ही डर्टी स्मेल आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए आर को इंक्लूड करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए, आर को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, मेथिन से, आर को रिप्लेस कर दिया मेथिन से और एमोनिया है, सॉरी आर को हमने रिप्लेस कर दिया मेथिन से और NH2, फिर से यही एजेंट लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, फिर से वही होगा, आर आर मतलब सी एस थ्री, आर एन सी, आर एन सी, आर मतलब सी एस थ्री, देखिए आर एन सी, आर मतलब सी एस थ्री, एन मतलब नाइट्रोजन और सी मतलब कार्बन। देखिए यहाँ पे मेथिल है तो मेथिलेमिन बोल देंगे, मेथिलेमिन बताइए इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन जुड़ा है, एक ही कार्बन तो जुड़ा है डायरेक्ट, तो वन डिग्री अमीन वर्क नहीं हुआ, वन डिग्री अमीन और सी एस थ्री है तो सी एस थ्री को बोलते थे मेथिल, तो क्या हो जाएगा मेथिल एमिन हो जाएगा, इसका रिएक्शन करा दिया इसी के साथ, तो क्या बन जाएगा आर एन सी, देखिए सी एस थ्री एन सी बन गया, आर के जगह पे सी एस थ्री आ गया, सी एस थ्री एन सी क्या बन गया मेथिल आइसो साइनाइड बन गया। तो ये रिएक्शन होता है कार्बिल एमिन रिएक्शन, एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है इसमें, आपको तीन एमीन दे देगा, कहेगा कौन सा एमीन है जो कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देगा, तो उसमें आप ढूंढेंगे कौन टू डिग्री और थ्री डिग्री एमीन है, वो टू डिग्री और थ्री डिग्री वाले कार्बिल एमीन रिएक्शन नहीं देंगे, कार्बिल एमीन रिएक्शन केवल कौन देगा वन डिग्री एमीन। चलिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, पूछा गया कितना 2021 में पूछ देता, अगर कोरोना का कोरोना में अगर एग्जाम नहीं होता, कोरोना में अगर एग्जाम हुआ होता तो उसमें भी पूछ देता ये रिएक्शन, आप मान ब्रोमाइड रिएक्शन, तो इसमें वही बताया जा रहा है आपको जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाम से ही पता चल जा रहा है ब्रोमाइड, इसमें जो यूज करेंगे रिएक्टेंट वह क्या होगा ब्रोमीन और प्लस क्या होगा एमाइड, ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और प्लस एमाइड। देखिए इन दिस रिएक्शन एमीन, एमीन फॉर्म फ्रॉम एमाइड, इस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है एमीन और जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है एमाइड। फिर सुनिएगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एमीन होता है, देखिए इन दिस रिएक्शन एमीन फॉर्म फ्रॉम एमाइड और जो रिएक्टेंट होता है एमाइड होता है। देखिए ये आपका रीजन चेंज किया गया, देखा है इसके केस में क्या था CHCl3+KOH और इसके केस में होता है Br2+KOH, दोनों को रिलेट करके आया, देखिए दोनों को रिलेट करके Br2KOH, यहाँ पे क्या था RNH2 देख रहे हैं और यहाँ पे क्या है R बीच में आ गया CO, यहाँ पे था RNH2 और यहाँ बीच में क्या आ गया RCO, बस इसमें CO इंसर्ट कर गया है, ठीक कार्बोनिल ग्रुप, तो RCONH2 इसको बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं एमाइड, क्या बोलते हैं एमाइड, CONH2 पे एमाइड बोलते हैं। तो कुछ है इसको याद रखिए आपको याद रहेगा, बीच में बस CO जोड़ देना, तो RCONH2 एमाइड, इसका रिएक्शन कराते हैं Br2+KOH से, तो कुछ होगा नहीं, ये CO यहाँ से हट जाएगा, ये CO यहाँ से गायब और CO को यहाँ से गायब कर देंगे, CO को बाहर कर क्या बन जाएगा RNH2, क्या बन गया RNH2 और RNH2 को क्या करते हैं RNH2 को क्या करते हैं जी एमीन करते हैं, तो क्या बन गया एमीन बन गया, तो एमाइड से क्या बन गया एमाइड से क्या बन गया एमीन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव आता है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है और किससे बनता है, तो याद रखेंगे एमाइड से क्या बनता है एमीन बनता है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी और ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आर जब हमने CH3 कर दिया, आर के जब हमने क्या कर दिया CH3CONH2, रिएजेंट वही आ गया, फिर से यहाँ CO हटेगा क्या आ जाएगा CH3NH2, CH3 है तो मेथिलेमाइड बोल देंगे, देखिए इसको एमाइड, CH3 है तो मेथिलेमाइड और क्या बन जाएगा मेथिल एमीन बन जाएगा, ठीक। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जब ये भी कभी कभी पूछ जाता है स्मिथ रिएक्शन क्या होता है, स्मिथ रिएक्शन क्या पढ़ते हैं जी, स्मिथ रिएक्शन 2022 का है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें क्या यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड देखिए ये और इसको ध्यान से देखेंगे NH3 अमोनिया जानते हैं ना, इसको इसका नाम याद रख लीजिए, इसका ये जरूर याद स्ट्रक्चर भी याद रखें, भले नाम आपको नया हो इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखिए, देखिए NH3 जानते हैं ना अमोनिया, कुछ करा नहीं है, इस हाइड्रोजन को सिंगल कर दीजिए और नाइट्रोजन क्या बना दीजिए 3, ठीक है अमोनिया का जानते हैं तो अभी बना लेंगे, देखिए कैसे फिर से NH3 इस 3 को हटाइए और यहाँ पे कर दीजिए, देखिए हाइड्रोजोइक एसिड हीट करना है इसको, कंसंट्रेट
CuN कंसंट्रेट H2SO4 के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, RnH2 प्राइमरी एमीन बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। और क्या बाहर हो जाएगा, CO2 यहाँ का, देखिए COO CO2 बाहर हो गया और यहाँ से एक नाइट्रोजन यहाँ पे आ गया तो क्या बच गया, दो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये चार क्वेश्चन जो आपको बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझ लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें।